सुजानगढ़ में समर्थन मूल्य पर अभी तक खरीफ फसलों की सरकारी खरीद नहीं होने से अन्नदाता सकते में है। जहां एक ओर खरीद में देरी के चलते मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा की मार ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से सूबे में सभी क्रय विक्रय सहकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्यों पर सरसों, चने व अन्य जिन्सों की खरीद होना तय थी, जिसके लिए सुजानगढ़ क्षेत्र के 6000 से अधिक किसानों को टोकन भी जारी कर दिए गए, मगर सहकारी समितियों ने समय पर निविदाएं जारी नहीं की, जिनके कारण खरीद में करीब 17 दिन की देरी हुई। ऐसे में पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में कई बार बेमौसम बारिश के साथ आए अंधड़ ने खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान किया। फसलों में हुए खराबे से किसानों को चिंता सताने लगी है। किसानों को बिजली के बकाया बिल सहित साहूकारों के कर्ज चुकाने की भी अब चिंता सता रही है।